कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का नामांकन भरवाने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे। इस मौके पर मोहन यादव ने कहा कि अब कांग्रेस का गढ़ ही गड़बड़ है। छिंदवाड़ा से भाजपा उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने आज लोकसभा चुनाव का नामांकन पर्चा दाखिल किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। छिंदवाड़ा चुनाव भाजपा के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ सांसद हैं। बीजेपी जब 28 सीटें जीत गई थी, तब ये एकमात्र ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस की विजय पताका फहराती रही। अब नकुलनाथ का मुकाबला भाजपा के विवेक बंटी साहू से है। छिंदवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, परंतु आज तक कांग्रेस के इस गढ़ को कोई गिरा नहीं पाया। इन्हीं कारणों से भाजपा ने युवा प्रत्याशी के रूप में विवेक बंटी साहू को चुनाव मैदान में उतारा है और भाजपा के दिग्गज नेताओं की नजर छिंदवाड़ा सीट पर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं है, यहाँ कांग्रेस गड़बड़ है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। किसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही निपट गए थे। थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गया, जीत गया। तो खाली 37,000 किसको कहते हैं 37,000? बहुत थोड़ा सा, जहां लाखों वोट, 20 लाख वोट डलते हो, और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अभी विकास का काम चल रहा है। अब मैं बताऊं आपको, क्या हमारी अपनी इस छिंदवाड़ा के दुर्भाग्य की बात होगी कहने के लिए? कहते भैया हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान भक्त है तो भैया वो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे हैं, एक ईंट लगा देते, एक ईंट नहीं लगाई, इतना दुर्भाग्य है आप। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।